जीत ली है इंग्लैंड की सीरीज, अब भारत को अगले मिशन पे सफा चट करनी है वेस्ट इंडीज। इंग्लैंड के असाइनमेंट के बाद अब भारत को जाना है वेस्ट इंडीज, जहां पे होगा दौरा 3 ODI और 5 T20 सीरीज का। क्या है उसका स्केड्यूल, कब शुरू होगी वो सीरीज, पहले मुकाबले में क्या है भारत की प्लेइंग 11, उसके बारे में करेंगे चर्चा इस वीडियो में। अंत तक बने रहिएगा हमारे साथ, क्रिकेट इन इंडिया के चैनल पे हैं आप, मैं हूं आपके साथ लक्षित। आज हमने देखा इंग्लैंड का दौरा हुआ खत्म, जहां भारत ने T20 को भी 2-1 से अपने नाम किया और खत्म होते होते ODI को भी 2-1 से अपने नाम करके भारत ने अपना इंग्लैंड का ये टूर तो बना लिया है सफल। लेकिन अगला असाइनमेंट भारत का ज्यादा दूर नहीं है, जहां 22 जुलाई से भारत की टीम पहुंच जाएगी वेस्ट इंडीज में, वहां शुरुआत होगी हमारी ODI सीरीज के साथ। आपको बता दिया जाए 22 जुलाई 24 जुलाई और 27 जुलाई इन 3 दिनों में खेले जाएंगे तीनों ODI मुकाबले, जहां पर नया कप्तान इस साल भारत को देखने को मिल रहा है, शिखर धवन कप्तानी संभाल रहे हैं, रविंद्र जाडेजा वाइस कप्तान होने वाले हैं। आपको बता दिया जाए तीनों ही ODI मुकाबले शाम को 7 बजे शुरू होंगे, लेकिन 22 जुलाई जहां वेस्ट इंडीज के सामने पहले ODI मुकाबले में भिड़ेगा भारत, उसके लिए क्या है भारत की प्लेइंग 11, अब उसके बारे में कर लेते हैं बातचीत। ओपनिंग में नंबर 1 पे तो जरूर रहेंगे आपके कप्तान शिखर धवन, लेकिन उनका साथ देने के लिए यहाँ व्हाइट बॉल में वापसी का मौका दिया जा सकता है शुभमन गिल को। ईशान किशन जिन्हें आप T20 ओपनर के तौर पे जरूर रखना चाहेंगे, क्योंकि शुभमन गिल ने IPL में व्हाइट बॉल क्रिकेट में अच्छा किया और डोमेस्टिक में भी शुभमन गिल बेहतरीन करते आ रहे हैं व्हाइट बॉल क्रिकेट के अंदर, भला वो विजय हजारे हो, उसके चलते मौका दिया जा सकता है शुभमन गिल को व्हाइट बॉल क्रिकेट में अपनी प्रतिभा दिखाने का। तीसरे नंबर पर यहाँ विराट कोहली की जगह है, जहाँ विराट कोहली आउट ऑफ फॉर्म है, तो कोहली जब रेस्ट पे थे तो उनकी जगह तीसरे नंबर पर एक खिलाड़ी ने सुर्खियां बटोरी थी। यहाँ पर नाम आता है दीपक हुड्डा का, जिन्होंने अपने पिछले 3 इंटरनेशनल मुकाबलों में 170 से भी ज्यादा रन बनाए हैं, जिसमें एक शतक भी शुमार है जो आया था आयरलैंड के खिलाफ। चौथे नंबर पर यहाँ पर हो सकते हैं सूर्य कुमार यादव, जिस तरह इंग्लैंड के दौरे पर चौथे नंबर की पोजीशन को संभाल कर रखा था सूर्य कुमार यादव ने, वही यहाँ पे हो सकते हैं चौथे पायदान पर। पांचवें नंबर पर इन फॉर्म संजू सैमसन, अपने आखिरी इंटरनेशनल मुकाबले में अर्धशतक लगाने के बावजूद भी संजू सैमसन को इंग्लैंड के ODI सीरीज में जगह ही नहीं मिली थी, स्क्वाड से ही बाहर कर दिया गया था, जिसके चलते संजू सैमसन हो सकते हैं पांचवें नंबर पर भारत के लिए, बल्लेबाजी के साथ साथ फिनिशिंग भी कर सकते हैं और विकेट कीपर की ड्यूटी भी संजू सैमसन संभाल सकते हैं। छठे नंबर पर यहां से बारी आती है आपके ऑलराउंडर्स की, पहले होंगे जरूर आपके वाइस कैप्टन रविंद्र जाडेजा, जिनकी जगह वहां पे होनी निश्चित है। पहला कारण वाइस कैप्टन है और दूसरा अपने साथ एक अच्छी फॉर्म और अच्छा एक्सपीरियंस भी लेकर आते हैं। सातवें नंबर पर होंगे वहां से आपके लिए जी आपके ऑलराउंडर पेसर हार्दिक पांड्या, इस दौरे में नहीं है, जिसके चलते हम देखेंगे कि हार्दिक पांड्या की जगह शार्दुल ठाकुर, जो स्क्वाड का हिस्सा है, उन्हें जरूर मिल सकता है मौका अपनी प्रतिभा दिखाने का, व्हाइट बॉल में करने का कमबैक। आठवें नंबर पर होंगे वहां पे आपके लिए आपके फ्रंट लाइन स्पिनर, जहां पे मौका मिल सकता है इन फॉर्म चहल पहल मचाने वाले युजवेंद्र चहल को। युजवेंद्र चहल व्हाइट बॉल क्रिकेट में भारत के लिए नए रवि अश्विन बने हैं, नए हरभजन सिंह बने हैं, क्योंकि जब भी भारत को इन दोनों पुराने दिग्गज खिलाड़ियों के जैसे विकेट चाहिए होती है तो युजवेंद्र चहल को बुलाया जाता है, और वेस्ट इंडीज के सामने तो खासकर यूजी चहल का पुराना अच्छा नाता है, जहां पर वेस्ट इंडीज के सामने ही यूजी चहल ने एक बार 5 विकेट हॉल भी अपने नाम किया हुआ है, वो कॉन्फिडेंस भी युजवेंद्र चहल को बनाता है पहली प्रेफरेंस। फिर वहां से आ जाते हैं आपके 9 10 11 नंबर के 3 पेसर्स, जिनके अंदर 3 नाम जो होंगे शुमार, 2 तो होंगे वही खिलाड़ी जो खेले हैं इंग्लैंड के सामने तीसरे ODI मुकाबले में, यानी कि प्रसिद्ध कृष्णा और साथ ही में मोहम्मद सिराज। लेकिन 11वें नंबर पे होगा वो खिलाड़ी जिसको आज असल में मोहम्मद सिराज की जगह खेलना था, जो फर्स्ट चॉइस प्रेफरेंस में था जसप्रीत बुमराह की जगह, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं अर्शदीप सिंह की। जी हाँ, BCCI के ट्वीट की बात मानी जाए तो आज के मुकाबले में जसप्रीत बुमराह की जगह खेलना था अर्शदीप सिंह को, लेकिन राइट एब्डोमिनल स्ट्रेन के चलते अर्शदीप सिंह अभी फिट नहीं थे, जिसके चलते वो आज का मुकाबला नहीं खेल पाए। यानी कि 22 जुलाई को अगर पूरी तरह फिट हो जाते हैं अर्शदीप सिंह, वो करेंगे डेब्यू। अगर वो नहीं हो पाते हैं फिट, तो आपके पास आवेश खान के रूप में जरूर है एक ऑप्शन। तब तक आप लाइक कर दीजिए इस वीडियो को, कमेंट सेक्शन में बताइए क्या आप हमारी इस प्लेइंग 11 से सहमत हैं या आपके दिमाग में है कोई और चेंजेस। ओपनिंग में आप देख रहे हैं ईशान किशन या ऋतुराज गायकवाड़ को,
जल्दी से दीजिए अपनी राय हमें कमेंट सेक्शंस में, और साथ ही में सब्सक्राइब कर दीजिए हमें यूट्यूब पे, फॉलो कर लीजिए फेसबुक पे, जानने के लिए क्रिकेट से जुड़ा हर एक लेटेस्ट अपडेट, वो भी सबसे पहले।